डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। एम यू मार्जिनल यूटिलिटी एंड टी यू टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में मैं आज तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले ये टेबल, जो टेबल दी गई है, जो दिखाई दे रही है तुम्हें टेबल, इसमें शुरू में मार्जिनल यूटिलिटी दी गई है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी, जहाँ पर यूनिट्स ऑफ कंजप्शन दे रखी हैं। कंजप्शन की यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है 10, फिर 8, 6, 4, 2, 0, -2। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लगातार 10, 18, 24, 28, 30, 30, लास्ट में 28। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, इसमें जब भी कभी एम यू डिक्लाइंस होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे घटती है, टोटल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज हो रही है। ये कहाँ तक हो रहा है, किस पॉइंट तक हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है और ये इंक्रीज हो रहा है, ये है पॉइंट नंबर यहाँ पर, जहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि यूनिट ऑफ कंजप्शन 5 है, जहाँ वहाँ पर ये लगातार बढ़ रही है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घट रही है और टोटल यूटिलिटी लगातार बढ़ रही है 30 तक। तो जब भी मार्जिनल यूटिलिटी ये लगातार शुरुआत में गिरेगी, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। दूसरी इसमें कंडीशन ये आती है, जब भी कभी टी यू मैक्सिमम होगी, ये देखो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कहाँ है, 30 पॉइंट पे, दो बार लिखा है 30। जब भी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, ये तब होगी जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, देन टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम। ये है यहाँ पर 30, ये इधर जीरो है। और तीसरी इसमें जो रिलेशनशिप है वो ये शो करता है तीसरे में, उसके बाद जब भी कभी टी यू, इसके बाद जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस होती है, घटती है, देन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। अब ये देखो 30 के बाद ये 28 होगी यहाँ से, और ये 0 के बाद -2 होगी यहाँ पे। इसी टेबल के अकॉर्डिंग इसमें डायग्राम बना गया है, इधर ये डायग्राम है जो बिल्कुल टेबल के अकॉर्डिंग है। उससे पहले जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे जैसे मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग इसमें लिखा है। सबसे पहले जो पहली कंडीशन है, टू बिगिन विद टी यू एंड एम यू ऑफ द फर्स्ट यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट है हमारी, इधर ध्यान दें, ये है, ये फर्स्ट यूनिट है ऑफ द कंजप्शन, एंड द सेम आर द सेम, जो टी यू और एम यू है दोनों की दोनों सेम है। कैसे सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इधर ध्यान दें, मार्जिनल यूटिलिटी 10, टोटल यूटिलिटी 10, तो फर्स्ट यूनिट पे दोनों 10 है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट पे दोनों सेम रहेंगी, एट फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजप्शन टी यू इजकल टू एम यू इजकल टू 10 यूनिट्स, दोनों के सामने 10 लिखा है, 10 यूनिट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, टी यू इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव, जब 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 तक एम यू पॉजिटिव है तब तक टी यू बढ़ेगी। टी यू ये बढ़ रही है, ये पॉजिटिव यहाँ तक है, यहाँ देखो यहाँ 2 है, ये 2 तक ये पॉजिटिव है, और ये लगातार इंक्रीज कर रही है, इधर इंक्रीज कैसे कर रही है, यहाँ देख सकते हो तुम, लगातार इंक्रीज कर रही है, 10, 10 के बाद 18, 24, 28, 30, 30, ये इंक्रीज कर रही है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा है। तो जैसे जैसे जब तक ये पॉजिटिव रहेगी मार्जिनल यूटिलिटी, तब तक ये इंक्रीज करती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद ये लगातार इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव, दिस हैपन्स अप टू 5th यूनिट, पांचवी यूनिट देखे इधर टेबल में, पांचवी यूनिट के सामने क्या है, यहाँ 2 है, ये पॉजिटिव है, और ये लगातार इंक्रीज कर रही है 30 तक, ये यहाँ तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पांचवी यूनिट तक बता दिया इसमें, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, फिर इन अदर वर्ड्स टी यू इंक्रीजेज एज ए डिमिनिशिंग रेट, ये तो घटती दर से बढ़ती है, बढ़ तो रही है लेकिन शुरू में जिस स्पीड से बढ़ी थी उससे कम, 10 से 18, 8 का डिफरेंस, 18 के बाद 24, 6 का डिफरेंस, 24 के बाद फिर 28,
चार का डिफरेंस इस तरह से स्लो रेट से स्लो गति से बढ़ रही है, तो इंक्रीज हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। नेक्स्ट इसका रिलेशनशिप नेक्स्ट है टी यू इज मैक्सिमम वैन एम यू इज जीरो। ये है मीन टी यू वहाँ पर मैक्सिमम होगी जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। अब इसमें देखिए टेबल में जीरो कहाँ है, ये है जीरो, यहाँ पर किसके सामने है जीरो, 6.6 यूनिट के सामने जीरो है, वहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है 30 है। जहाँ भी कहीं टी यू मैक्सिमम होगी वहाँ पर एम यू जीरो होगी, ये 30 है और ये जीरो है, ये 6 यूनिट पे ऐसा। आगे देखें ये मैक्सिमम होगा और ये वहाँ पर जीरो होगी। नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पर ये वो पॉइंट है जिसको हम सेटिस्फैक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कंजप्शन बंद कर देना चाहिए, यहाँ उपभोक्ता की पूरी संतुष्टि हो गई है, इसके बाद उसे उस चीज़ की आवश्यकता नहीं रही है, इसको हम सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट भी कह सकते हैं, स्टेटिटी पॉइंट भी कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर फिर भी ये कंजप्शन जारी रखता है टी यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग वेयर एम यू बिकम्स नेगेटिव। जब भी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी, ये होगी नेगेटिव -2 इधर दे रखे है, ये घटनी शुरू हो जाएगी टी यू। टी यू मैक्सिमम थी 30 के बाद घट करके अब आ गई 28। जब भी ये घटेगी, जब भी टोटल यूटिलिटी घटेगी तो एम यू नेगेटिव में चली जाएगी, ये पहुंच गई यहाँ 0 से -2 और ये यहाँ 28। तो ये जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है टी यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग व्हेन एम यू बिकम्स नेगेटिव। जैसे ही एम यू नेगेटिव हो जाते हो घटना शुरू कर देती है। दिस हैपन्स आफ्टर 6 यूनिट, छठी यूनिट के बाद ऐसा हो रहा है। सातवीं यूनिट में देखें ऊपर टेबल में, सातवीं यूनिट में ये कंडीशन पूरी हो रही है। दिस हैपन आफ्टर 6 यूनिट ऑफ द कंजप्शन, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज डिस यूटिलिटी। दिस मीन्स लेस ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिसको हम डिस यूटिलिटी कहेंगे, जिसमें संतुष्टि कम मिलती है उसको कहा जाता है डिस यूटिलिटी। अब ये टेबल के अकॉर्डिंग डायग्राम को देखने एक बार जल्दी से, जैसे टेबल है टेबल के अकॉर्डिंग डायग्राम बना है। ये डायग्राम ये शो होता है यहाँ पर, जहाँ पर टी यू मैक्सिमम है, कहाँ पर है टी यू मैक्सिमम, इधर जहाँ पेन की नोक है ये है टी यू मैक्सिमम है यहाँ पर 30, इधर देखें इधर 30। जब भी कभी टी यू मैक्सिमम होगा उसके ठीक नीचे प्री पेंडिकुलर जब हम डालेंगे तो उसके ठीक नीचे यहाँ पर ये है जीरो, ये जीरो है। वैन टी यू विल बी मैक्सिमम एम यू विल बी जीरो, यहाँ जीरो दिखाइए लाइन पे। दूसरा, जब टी यू घटना शुरू कर देता है वैन टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग, ये यहाँ से 30 के बाद घटना शुरू हो गया 28-27 इस तरीके से, ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये लाइन देखो नीचे जा रही है, इट बिकम्स नेगेटिव, एम यू बिकम्स नेगेटिव। अब मेन पॉइंट फिर से देखें, ये टी यू की लाइन है यहाँ पर ऐसे, ये जो जा रही है टी यू की लाइन, दूसरी लाइन एम यू की मार्जिनल यूटिलिटी। टी यू धीरे धीरे पहले तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद धीमी गति से बढ़ना शुरू होगा और फिर हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाएगा, उसके बाद गिरना शुरू होगा। ये तो हो गया टी यू की कंडीशन, टोटल यूटिलिटी। पहले तेज गति से बढ़ेगी, एक टाइम आएगा धीरे धीरे गति से बढ़ेगी, धीमी गति से स्लो रेट से, और फिर पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगी 30 पे, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये है टोटल यूटिलिटी का व्यवहार बिहेवियर। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, गिरना शुरू होती है, शुरू से गिरती जाती है, लगातार डिक्रीज होती जाती है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जीरो हो जाएगी। अगर फिर भी कंजप्शन जारी रहता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, देन इट बिकम्स नेगेटिव, ये नीचे चली जाएगी नेगेटिव, ये यहाँ पहुँच गई माइनस में, जिसको बोलेंगे हम -2। ये है मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों का जो बिहेवियर है, इन दोनों के जो पॉइंट है वे मैंने तुमको समझा दिए, दोनों का डिफरेंस ये दे रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। That's all.